धोखा। कैसे हो गया? मैंने तो ट्रिगर भी नहीं दबाया था। या आंखों का धोखा? विद्या! 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 विद्या उठना! विद्या उठ! विद्या! धोखा विद्या के भरोसे का। धोखा मीरा के खुद पर यकीन का। तो बहनों के बीच चली ये गोली करने वाली है सबसे बड़ा धमाका। हादसा क्या हकीकत, वो तो आपको पता चलेगा जब आप शो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे हाथ से गलती होगी, जो एक्चुअली गलती नहीं है बट लगेगा कि गलती हो गई है। मैडम जी थोड़ी घूमना जाना था इसको, थोड़ा इसलिए शो वालों ने छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए इसलिए हाँ। हॉस्पिटल पर जाने वाले बस। दरअसल मीरा ने प्रियल को विद्या से दूर करने का खेल तो खूब खेला था, लेकिन वो भूल गई कि घर में एक और शातिर खिलाड़ी है। प्रियल किडनैप हो चुकी है और इसके पीछे है नैया की चाल। कुछ तो हुआ है, प्रियल को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं छुपके से पैसे लेके आई हूँ यहाँ पे, और ये तो जासूस नंबर वन है तो पीछे पीछे तो आ नहीं। मीरा इस बात से अनजान है और अब जो धोखा होगा वो सिर्फ प्रिया के साथ नहीं होगा, मीरा भी बनेगी इस धोखे का शिकार। दो बहनों के बीच गोली तो चली, रिश्तों का लहू भी बहा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर गोली चलाई किसने? इसी के हाथ में गन थी, किसने चलाई? मेरे हाथ में गन थी तो लोगों को तो यही लगा कि मैंने लगी, लेकिन मैंने इतनी इनोसेंट बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मार सकती अपनी बहन को, मेरी मैं अपने खून को कुछ भी कर सकती, लेकिन आप अपनी बड़ी बहन को या अपनी छोटी बहन को इतना परेशान करते हो, लेकिन कभी अगर उसको चोट लगती है तो यू कांट बेयर इट। और तूने मारी कब? तूने मारी, मैंने खुद देखा तूने ट्रिगर को इतना दबा दिया था। अरे इतना दबा तो दबाया नहीं था, ये झूठ है, ये आपको पता चलेगा, आप साथ में ना साथिया देखो, इसी ने मारी। चल खैर इसका पता भी जल्द लग जाएगा। फिलहाल तो बेटी के साथ साथ माँ गोपी का भी बुरा हाल है, जरा देखिए तो बेचारी गोपी को क्या हुआ। वो समझ में नहीं आ रहा है हादसा है या किसी ने जानबूझकर किया। वैसा तो हादसा ही समझा जा सकता है क्योंकि कौन करेगा ये बेसिकली, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा इस तरह की हरकत। भाई गोपी की नई ससुराल का बवाल है। खैर डोंट वरी गोपी, जब सैया भाई डॉक्टर तो डर काहे का, घर का डॉक्टर मरीज का मर्ज जल्द ही ठीक करेगा। डॉक्टर तो खाली ट्रीट करता है उस चीज को, तो जो भी इंजरीज हुई है उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। मुझे किसी पे भी डाउट नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये षड्यंत्र था, लेकिन अगर था तो प्रोबेबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका खुलासा हो ही जाएगा। आप तो बस आराम कीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे ट्विस्ट और ड्रामे आपको इन्हीं हाथों से हैंडल करने हैं। आज तक ब्यूरो।